Hello friends, welcome back to our crypto discussion YouTube channel Moon Crypto Girl. In today's video, we are going to discuss about how to use Binance Futures. So let's begin. अगर हम Binance Futures की बात करें, then Binance Futures एक leverage trading platform है. जैसे कि आपने अभी तक different leverage trading platforms को use किया होगा, like Bybit, BitMEX, Kraken, Poloniex and different exchanges को use किया होगा, वैसे ही अब आप Binance Futures को use करके leverage trading कर सकते हैं. Binance आपको 125x तक का लेवरेज देता है. इसका मतलब अगर आपके पास $100 का फंड है एंड इन केस आप उसको 20x के लेवरेज यूज़ करते हैं, देन जो आपका फंड है वो 20 टाइम्स हो जाएगा. तो जो अभी आपका $100 था वो एक तरह से $2000 तक का हो जाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस होगा. सो इन केस आपका Binance के ऊपर अकाउंट है, देन ये बहुत ही इजी है Binance Futures का अकाउंट बनाना. एंड अगर आपका अभी तक Binance पर अकाउंट नहीं है, देन मेक श्योर कि आप पहले Binance पर अकाउंट बनाइए एंड उसके बाद में जैसे ही आप Binance Futures पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी एंड पासवर्ड फिल करना होगा एंड उसके बाद में आपका Binance Futures पर भी अकाउंट बन जाएगा. एंड उसके बाद में आप Binance Futures पर ट्रेड कर पाओगे. एंड ये Binance Futures का इंटरफेस. सो Binance Futures का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है. यहाँ पर आपको डिफरेंट टोकन शो हो रहे होंगे जिनको आप लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हो. एंड अगर हम लॉन्ग की बात करें, देन सपोज कि ये हमारी प्राइस लाइन है एंड ये हमारा टाइम है एंड अभी जो हमारा प्राइस है वो यहाँ पर इस लेवल तक पर चल रहा है. अगर आपको लगता है कि अभी जो प्राइस है वो अप जा सकता है, देन उस टाइम पर आपको लॉन्ग करना है. लॉन्ग का मतलब है कि आपको बाय का ऑर्डर प्लेस करना है एंड इन केस प्राइस अप जाता है देन आपको प्रॉफिट होगा. बट इन केस आपका जो प्राइस है वो अपोजिट चला जाता है, देन उस केस के अंदर आपको कुछ लॉस बियर करना होगा एंड वहाँ पर आपकी लिक्विडेशन पोजीशन भी शो हो जाएगी कि इन केस प्राइस एक लेवल से नीचे चला जाता है, देन आपका जो फंड है वो ज़ीरो हो जाएगा. इसका मतलब आपके पास कुछ भी फंड नहीं बचेगा एंड जो आपका फंड है वो लिक्विडेट हो जाएगा. सो ये होती है हमारी लेवरेज ट्रेडिंग. एंड अगर हम शॉर्ट की बात करें, देन इसके जस्ट अपोजिट शॉर्ट होता है. सपोज कि अभी आपको लगता है कि जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, तो उस टाइम पर हम शॉर्ट सेल करते हैं एंड इन केस उसका अपोजिट हो जाता है एंड प्राइस वहां से अप चला जाता है, देन उस टाइम पर आपको कुछ लॉस बियर करना पड़ता है एंड जितनी आपने लेवरेज यूज़ की होती है उसके मल्टीपल्स के अंदर ही अभी आपको लॉस भी होगा. लाइक जो हमारा प्रॉफिट था वो मल्टीपल्स के अंदर हो रहा था, सिमिलरली जो हमारा लॉस है वो भी मल्टीपल्स के अंदर होगा. मतलब इन केस आपने 20x की लेवरेज यूज़ किया है, देन उसी के मल्टीपल के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा. इन केस आपने लेवरेज 2x यूज़ किया है, देन उसी के मल्टीपल के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा. जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्ट के टाइम पर इन केस प्राइस ऊपर चला जाता है, देन एक टाइम पीरियड के बाद में जो आपका फंड है वो लिक्विडेट हो सकता है. सो ऐसे जो हमारा लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो वर्क करता है. सो अगर हम Binance Futures की बात करें, देन यहाँ पर Binance Futures का इंटरफेस है एंड यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को कि ये कैसे वर्क करता है. सो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिफरेंट टोकन्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टोकन्स गिवन हैं जिनको यूज़ करके आप इजीली अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड जितने भी टोकन्स हैं यहाँ पे उनका पेयर USDT है. सो इसका मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले USDT चाहिए. मैंने यहाँ पर 10 USDT ट्रांसफ़र किए हुए हैं जो आपका एक्सचेंज का वॉलेट है, Binance एक्सचेंज वॉलेट, दैट इज स्पॉट वॉलेट. वहाँ से आप बहुत इजीली अपने Binance Futures अकाउंट की ओर जो भी आपका USDT पड़ा है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे कि अभी मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर 10 USDT पड़ा था जिसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है. एंड इन केस जो आपका फंड है आपको फ्यूचर से अगेंस्ट स्पॉट वॉलेट की ओर ट्रांसफ़र करना है, देन ये बहुत ईजी है. आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपकी अवेलेबल अमाउंट है उस पे क्लिक करना है. तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी, जितनी भी आपको ट्रांसफ़र करनी है उसके अकॉर्डिंग उतनी अमाउंट आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो. सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 10 USDT रख रखे हैं, जहाँ से हम अभी ट्रेड करके भी देखेंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है. सो ट्रेड करने से पहले हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी आपका यहाँ पर चार्ट है उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको अभी लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है. एंड जो भी आपको लगता है कि इन केस प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर आप लॉन्ग कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको बाय लॉन्ग का. एंड इन केस आपको लगता है कि आपको शॉर्ट सेल करना है, देन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा. एंड यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट, मार्केट एंड स्टॉप लिमिट ऑर्डर. तो आप इनमें से कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन यहाँ पर आपको अपना प्राइस मेंशन करना होगा. सपोज अगर हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन यहाँ पर इन केस मैं प्लेस करती हूँ दैट जब भी प्राइस 8885 पर आए तब मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए. एंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ 0.012 BTC का.
इसका मतलब जो मेरा 5.33 USDT है वो यहाँ पर यूज़ होगा। एंड यहाँ पर इसने मुझे मैक्सिमम बाय बताई है कि मैं अपने इस फंड के थ्रू कितना बाय कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर मेंशन है हमारी लेवरेज। इनकेस आप लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर न्यू हैं, देन मेक श्योर कि आप 5x तक की ही लेवरेज लें। अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं देन उस केस के अंदर आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। सो मैंने यहाँ पर 20x की लेवरेज ली है एंड यहाँ पर मैं इसे बाय लॉन्ग कर देती हूँ। सो यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है वो सबमिट हो गया है। एंड इन केस मैं चाहूँ तो मैं अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकती हूँ। लाइक जो ऑर्डर प्लेस होता है वो हमें ओपन ऑर्डर्स के अंदर शो हो जाता है एंड उसके बाद में आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड इन केस आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है देन वो आपको पोजीशंस के अंदर शो होगा। एंड इन केस आप मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करते हैं देन इमीडिएटली जो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड जो हमारे यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है दैट इज स्टॉप लिमिट। तो स्टॉप लिमिट के अंदर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि इन केस आपका प्राइस इतना ट्रिगर हो जाता है देन आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। सो इन शॉर्ट यहाँ पर आप इसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारा सेलिंग पार्ट रहता है। सो यहाँ पर जो बाइनेंस है वो एक कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है। एंड इन केस आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो देन आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस, टारगेट प्राइस या फिर लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन केस यहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस है 8885 एंड सपोज जो मेरा एग्जिट प्राइस है दैट इज़ 8900 एंड यहाँ पर मेरा जो क्वांटिटी है वो है 0.012 जितना ऑर्डर मैंने प्लेस किया था। सो यहाँ पर मेरा जो इनिशियल मार्जिन है मतलब शुरू में मुझे कितना फंड चाहिए इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आ जाएगा। देन इसके अकॉर्डिंग मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा एग्जैक्टली मेरा यहाँ पर 0.18 USDT का प्रॉफिट होगा इन केस ये ऑर्डर मेरा एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड जो मेरी ROE है दैट इज़ रिटर्न वो है 3.38%। एंड इन केस मैं यहाँ पर अपनी लेवरेज को इंक्रीज़ कर देती हूँ देन उसी अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सब डाटा चेंज हो जाता है। एंड अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें देन टारगेट प्राइस वो प्राइस जहाँ पर आप अपने ऑर्डर से एग्जिट लेना चाहोगे। सो अगर हम इसकी बात करें देन यहाँ पर सपोज कि हमने एंट्री ली है 8885 पर एंड जो हमारा ROE है सपोज हमें 10% का ROE चाहिए देन उस केस के अंदर मुझे इतने पर सेलिंग करनी होगी। अगर मेरा इससे कम पर सेलिंग रहती है देन मेरा ROE 10% से नीचे हो जाएगा। एंड यहाँ पर आता है हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज लिक्विडेशन। सो लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा एंट्री प्राइस है हम उसे मेंशन कर देंगे देन जो भी हमारी क्वांटिटी थी उसे मेंशन कर देंगे एंड जो भी हमारा वॉलेट का बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस है वो कैलकुलेट होता है। सपोज कि हम यहाँ पर लेवरेज को कम कर देते हैं एंड अगर हम लेवरेज कम करते हैं देन जो लिक्विडेशन प्राइस है वो हमारे ऑर्डर प्राइस से और भी दूर चला जाता है। सो इन शॉर्ट ये हमारे लिए कुछ सेफ हो जाता है। सो इन केस आप इसके अंदर न्यू हैं देन मेक श्योर कि आप कम लेवरेज के साथ ही ट्रेड करिए। एंड अगर हम ऑर्डर्स की बात करें देन यहाँ पर आपको चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बाइंग एंड सेलिंग का चार्ट दिख रहा है कि कितनी बाइंग आ रही है एंड कितनी सेलिंग आ रही है। एंड यहाँ पर है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के अंदर ऑर्डर मेंशन होता है कि अभी कितना ऑर्डर लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इन केस हमारी बाइंग बहुत ज़्यादा है देन चांस रहता है कि जो हमारा प्राइस है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड मूव कर सकता है। एंड इन केस हमारा जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा है देन ये चांसेस होते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो नीचे आ सकता है। एंड जो प्राइस है जिस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है वो ये प्राइस नहीं है, इनफैक्ट वो मार्क प्राइस है। जो हमारा मार्क प्राइस है उसके ऊपर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट या फिर एग्जिट होता है। सो उसी अकॉर्डिंग जो हमारी ये ट्रेडिंग है वर्क करती है। एंड यहाँ पर है फंडिंग पर 8 आर। जो ये फंडिंग है दैट इज़ 0.1%। यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है उसका बाइनेंस की ओर जाता है जहाँ से बाइनेंस को प्रॉफिट होता है। एंड अगर हम इसकी लास्ट 24 आवर्स की वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर इसकी लास्ट 24 आवर्स की BTC के अंदर वॉल्यूम मेंशन है। एंड यहाँ पर 24 आवर का हाई एंड लो मेंशन है कि प्राइस कितने से कितने के बीच में मूव किया है। सो आई होप कि आपको ये ओवरऑल समझ आ गया हो कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि अभी हमने ओपन ऑर्डर छोड़ रखा था देन जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पर है सिंबल मीन्स जो भी चीज़ आपने यहाँ पर बाई की हुई है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने BTC के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था तो हमें वो शो हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर साइज़ की बात करें देन यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि हमने कितने BTC का ऑर्डर प्लेस किया है। देन यहाँ पर है हमारा एंट्री प्राइस, यहाँ पर है मार्क प्राइस मतलब कि अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ मार्क प्राइस। सो इन केस हमारा जो मार्क प्राइस है वो इंक्रीज होता है देन उस केस के अंदर हमें प्रॉफिट होगा। एंड जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस है दैट इज़ 8019।
सो यहाँ पर मेरा मार्जिन मेंशन है कि अभी मेरा कितना अमाउंट बाकी है। सो उसके बाद में आता है हमारा P&L, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, कि अभी हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हो चुका है। एंड उसके बाद में आती है हमारी क्लोज पोजिशन। सो क्लोज पोजिशन के अंदर भी हमें लिमिट एंड मार्केट दो ऑप्शन मिलते हैं। एंड अगर हम लिमिट की बात करें देन आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपका जो सेलिंग है वो कितने पर होना चाहिए। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी क्वांटिटी दिख जाएगी एंड आपका USDT भी आ जाएगा। एंड इन केस मैं मार्केट प्राइस के ऊपर ही सेल करती हूँ देन यहाँ पर आप प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे, जो भी अभी करंटली मार्क प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जो ऑलरेडी आपका पोजीशन ओपन थी वो यहाँ से क्लोज हो जाएगी। सो लास्ट के अंदर आता है हमारा यहाँ पर क्रॉस मार्जिन रेशियो। अगर हम क्रॉस मार्जिन रेशियो की बात करें देन हमारा यहाँ पर एक इंडिकेटर मेंशन है जहाँ से हमें अपना रिस्क पता लगता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम है या फिर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मेरा रिस्क आ रहा है वो काफ़ी कम है। सो गाइज, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि जो बाइनेंस फ्यूचर्स है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। एंड आई होप कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई हो। एंड इन केस स्टिल आपको कुछ भी डाउट रहता है देन आप यहाँ पर इन्फो पर जाकर गाइड के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बाइनेंस फ्यूचर्स की गाइड मिल जाएगी एंड जो भी आपको डाउट है उसके बारे में आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। एंड इन केस अभी तक आपने अगर बाइनेंस फ्यूचर्स पर रजिस्टर नहीं किया है देन मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगी जिसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट देन आप उस रेफरल लिंक के थ्रू यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। That's it for today's video. Stay tuned for more updates. Bye-bye. Take care.